नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक मेरे दोस्त है मनीष भाई, जिनका कहना है कि भाई यूटीएल यूएसपी 1548 150 Ah बैटरी का लाइव बैकअप टेस्ट करके दिखाइए। उन्हीं का डिमांड को फुलफिल करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें 1548 150 Ah बैटरी का लाइव बैकअप टेस्ट करने वाला हूँ। अगर आपका भी कुछ डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले इस बैटरी के कुछ ओवरव्यू को देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा बैटरी के पास में। तो चलिए हम लोग चलते हैं बैटरी के पास में। दोस्तों अब हम आ गए हैं बैटरी के पास में और ये UTL का USB 1548 150 Ah बैटरी है, जिसकी 48 मंथ की वारंटी है, जिसमें 2 साल का पूरा फुल रिप्लेसमेंट और 2 साल का प्रो डेटा वारंटी मिलती है। और यह UTL का YCOM सोलर इन्वर्टर बैटरी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम इन्वर्टर का यूज़ करेंगे वह UTL का सोलर इन्वर्टर समसी 1075 होगा। तो चलिए अब हम इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और इसके साथ में एक मल्टीमीटर को भी कनेक्ट किए हैं, जिससे बैटरी का वोल्ट माप सकें। यहाँ पे जो बैटरी का वोल्ट है 12.6 वोल्ट आपका बैटरी है। तो चलिए अब हम लोग इन्वर्टर को ऑन करते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर हो गया ऑन और साथ में देंगे इस पर 400 वाट का लोड। तो चलिए हम लोग लोड दे करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हमने लोड दे दिया है। यहाँ पे हमने 400 वाट का लोड दिया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और जब हमने लोड दिया उस समय 12:34 हो रहा था, यानी कि 12:35 मान लेते हैं हो रहा था। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां देख रहे हैं, बैटरी लो हो चुकी है और जो बैटरी का वोल्टेज है उसको हम लोग देख लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज 10.8 वोल्ट है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और जिस समय में बैटरी लो हुआ है उस समय जो समय हो रहा है वो 3:05 हो रहा है। ये हमने बैटरी को 12:35 से स्टार्ट किया था, जो कि अभी 3:05 हो रहा है। दोस्तों यह बैटरी 400 वाट लोड पे 2 घंटे 30 से 40 मिनट के करीब में चला है, जो कि अच्छा बैटरी है। आप इसको अपने यूज में ले सकते हैं। अगर आप यह बैटरी खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप बैटरी को खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।